मदद से बनाया गया है। इसके पहले जो विवाद हुआ था, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। केंद्र सरकार कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं उनके ऊपर। यही कथनी और करनी में फर्क है भारतीय जनता पार्टी कि मोदी जी ने कहा था कि उन पे एक्शन भी लेंगे, जिस तरह के उनके विवादित बयान आए थे। मैं समझता हूँ कि जिन पे बहुत से आरोप हैं और जो अभी प्रकरण चल रहे हैं और उन आरोपों में वो जेल भी गई है, तो रक्षा समिति जैसी इम्पोर्टेंट समिति में उनका लिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।